हेलो स्टूडेंट्स, डॉक्टर राकेश सिंह फ्रॉम KSIS एकेडमी पटना। आज हम लोग टेस्ट वन सेक्शन बी, कहने का मतलब इस वीडियो में जो टेस्ट वन क्वेश्चन आपको दिया गया था, तो क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक, 26 क्वेश्चन से लेके 50 क्वेश्चन तक बिहार स्पेशल था, यानी कि बिहार का बेसिक इन्फॉर्मेशन। चूँकि आप BPSC का परीक्षा देने वाले हैं तो बिहार से संबंधित प्रश्न आते ही हैं। तो चलिए आज हम लोग बिहार का बेसिक इन्फॉर्मेशन, या बिहार ऐसा बिहार के होने हुए, बिहार के नाते, बिहारी होने के नाते, ऐसा सिटीजन ऑफ इंडिया एंड यू आर अपेयरिंग फॉर BPSC एग्जाम, सो यू शुड नो बेसिक फैक्ट्स अबाउट बिहार। तो चलिए पहला क्वेश्चन, यानी कि 26वां क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ देंगे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द स्टेट बर्ड ऑफ बिहार, निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज पंक्षी है। इसका जो ऑप्शन है, बायोलॉजिकल नाम लिखा हुआ है, पावो क्रिस्टेटस, पेसर डोमेस्टिकस, बोस गोरास, एंटेलोप सर्वाइक्रा, या ऑप्शन नंबर ई। सही आंसर है, बिहार का स्टेट बर्ड यानी बिहार का राज पंक्षी है हाउस स्पैरो, इंग्लिश में बोलते हैं, और इसका बोटानिक बायोलॉजिकल नेम है पेसर डोमेस्टिकस। हिंदी में हम लोग हाउस स्पैरो को गोरैया कहते हैं और बायोलॉजिकल नाम आपका पेसर डोमेस्टिकस है। तो बिहार का राज पंक्षी गोरैया, हाउस स्पैरो या पेसर डोमेस्टिकस है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन है बी। थोड़ा सा और भी देख लें, ये है आपका गोरैया या हाउस स्पैरो। और भारत का राष्ट्र पंक्षी कौन है, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, तो वो है आपका पेवो क्रिस्टेटस, यानी मोर, यानी पिकॉक। तो भारत का राष्ट्रीय पंक्षी मोर है, पावो क्रिस्टेटस है। आगे बढ़ते हैं, ये है आपका मोर। अब क्वेश्चन नंबर 27, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ बिहार, निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज पशु है। पैंथरा टाइग्रिस, टाइग्रिस, बॉस गारस, एलिफस मैक्सिमस, पैंथेरा पाइस, ये सारा बायोलॉजिकल नाम आपका दिया हुआ है ऑप्शन में। पैंथरा टाइग्रिस, टाइग्रिस, ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये बायोलॉजिकल नाम है। भारत का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर या बाघ है। ये बंगाल टाइगर सबसे बड़ा मांस भक्षी, विश्व का सबसे बड़ा मांस भक्षी पैंथरा टाइग्रिस, टाइग्रिस या रॉयल बंगाल टाइगर ही है। इट इज द लार्जेस्ट कार्निवोर एंड इट इज फाउंड ओनली इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में ही पाया जाता है और भारत देश के अधिकांश क्षेत्रों में पाया जाता है। एंड दिस इज द नेशनल एनिमल, ये राष्ट्रीय पशु है, ये है आपके रॉयल बंगाल टाइगर। बिहार का राज पशु वो है ऑक्स और बायोलॉजिकल नाम है बॉस गोरस, जिसको कि हिंदी में आप कहते हैं बैल, और बायोलॉजिकल नाम है बॉस गोरस। ये है आपका बिहार का राष्ट्र पशु। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ बिहार, तो सही ऑप्शन है बी, बॉस गोरस या आपका ऑक्स।
निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज पशु है? तो सही आंसर है बॉस, गारस या आपका बैल। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28। विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्टेट ट्री ऑफ बिहार। अब हम लोग राज वृक्ष पे चलते हैं। फिकस बेंगालेंसिस, पीपल, मैंगो, नीम या ई ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज वृक्ष है? फिकस बेंगालेंसिस या पीपल या मैंगो या नीम। जो आपका नेशनल ट्री है वो है इंडियन बानियान, फिकस बेंगालेंसिस या भारतीय बरगद। क्वेश्चन है बिहार का राज वृक्ष क्या है? तो वो है आपका पीपल, वो है आपका पीपल। तो सही ऑप्शन है आपका 28 का, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्टेट ट्री ऑफ बिहार, तो वो है पीपल। निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज वृक्ष है? तो है पीपल। तो क्वेश्चन नंबर 28 का भी सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 28 का सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 29। अब हम लोग बिहार के स्टेट प्रेयर पे चलते हैं, बिहार राज्य की प्रार्थना। सो क्वेश्चन नंबर 29 है, हु हैज रिटन बिहार स्टेट प्रेयर? उदित नारायण, एम आर चिश्ती, साधना सरगम, सत्यनारायण या ई ऑप्शन, मोर देन वन या इनमें से कोई नहीं। बिहार राज प्रार्थना किसने लिखी है? उदित नारायण, एम आर चिश्ती, साधना सरगम या सत्य नारायण। बिहार का जो राज प्रार्थना है, स्टेट प्रेयर है, वो है मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे। इस राज प्रार्थना को, स्टेट प्रेयर को गाने वाले का नाम है उदित नारायण और लिखने वाले का नाम है एम आर चिश्ती। मुजफ्फरपुर में मारवन ब्लॉक में उर्दू मध्य विद्यालय के एक शिक्षक हैं जिनका नाम है एम आर चिश्ती, वही आपके बिहार का राज प्रार्थना या स्टेट प्रेयर लिखे हैं। तो हु हैज रिटन बिहार स्टेट प्रेयर? ऑप्शन नंबर बी, एम आर चिश्ती। बिहार राज प्रार्थना किसने लिखी है? तो है ऑप्शन नंबर बी, एम आर चिश्ती। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही ऑप्शन है बी। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 30 पे। राज प्रार्थना हम लोग बात कर लिए, अब हम लोग बात करेंगे राज गीत। हु हैज रिटन बिहार स्टेट सॉन्ग? बिहार राज गीत किसने लिखा है? उदित नारायण, एम आर चिश्ती, साधना सरगम, सत्यनारायण। बिहार राजगीत किसने लिखा है? उदित नारायण या एम आर चिश्ती, साधना सरगम या सत्य नारायण। जो बिहार का राजगीत है इसकी शुरुआत होती है मेरे भारत के कंठहार। इसके गीतकार हैं उदित नारायण और साधना सरगम, ये गाना गाए हैं, है ना। उदित नारायण और साधना सरगम है संग दिस स्टेट सॉन्ग और लिखने वाले का नाम है सत्य नारायण। ये इतिहास के शिक्षक रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30, हु हैज रिटन बिहार स्टेट सॉन्ग, बिहार राज गीत किसने लिखा है? तो लिखने वाले हैं सत्य नारायण। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मेनी कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स आर देयर इन बिहार? हाउ मेनी कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स आर देयर इन बिहार? बिहार में कितने सामुदायिक विकास खंड हैं? तो बिहार में 534 सामुदायिक विकास खंड हैं। देयर आर 534 कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स इन बिहार। तो 31 का सही ऑप्शन है डी, 31 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द नंबर ऑफ रेवेन्यू विलेजेस इन बिहार? बिहार में राजस्व गांवों की संख्या कितनी है? तो बिहार में राजस्व
गांवों की संख्या 45,103 है। देयर आर 45,103 रेवेन्यू विलेजेस इन बिहार, जहां पे राजस्व के जिस गांव को इकाई के रूप में राजस्व का जो है एकत्रित या प्रबंधन होता है, तो उसको हम लोग राजस्व गांव या रेवेन्यू विलेज कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही ऑप्शन है ए 45,103। तो राजस्व गांव की संख्या 45,103 है। व्हाट इज द नंबर ऑफ टाउन्स इन बिहार, क्वेश्चन नंबर 33। बिहार में शहरों की संख्या, बिहार में शहरों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ टाउन्स इन बिहार? सो द नंबर ऑफ टाउन्स इन बिहार इज 199 शहर बिहार राज्य में है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही ऑप्शन है ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टैट्यूटरी टाउन्स इन बिहार, बिहार में वैधानिक नगर की संख्या कितनी है? तो बिहार में वैधानिक नगर की संख्या 139 है, 139 है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही ऑप्शन है बी, यानी 139। नंबर ऑफ स्टैट्यूटरी टाउन्स इन बिहार इज 139। बिहार में वैधानिक नगर की संख्या 139 है, सही ऑप्शन आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन स्टैट्यूटरी टाउन्स इन बिहार, बिहार में गैर संवैधानिक नगर की संख्या कितनी है? तो वो है आपका 60। तो बिहार में गैर संवैधानिक नगर की संख्या 60 है। व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन स्टैट्यूटरी टाउन्स इन बिहार, इट इज 60। तो 35 का सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि 60। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं, और 36 क्वेश्चन नंबर 36 से पहले कुछ तथ्य है जो कि अपने आप कलम से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 36 से पहले कुछ तथ्य है बिहार के बारे में जो आप लोग अपने कॉपी में नोट्स बना लें। बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या का घनत्व क्या है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन बिहार, तो इट इज 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले जिला कौन सा है? तो वो है सिहोर, और सिहोर का जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी है 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सो द हाईएस्ट डेंसिटी इज, हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन वाइज द हाईएस्ट डेंसिटी इज ऑफ सिहोर एंड इट इज 1880 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे निम्न जनसंख्या घनत्व कहां पे है? तो वो है कैमूर, और कैमूर का जनसंख्या घनत्व है 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 488 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है बिहार में? तो वो है आपका पटना। तो मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज पटना, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो है आपका शेखपुरा। सो द लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट इज योर शेखपुरा। अब हम लोग लिंग अनुपात पे चलते हैं। बिहार में जो सेक्स रेशियो है, एवरेज सेक्स रेशियो है, जो औसत लिंग अनुपात है वो है 918, और सबसे ज्यादा लिंग अनुपात, हाईएस्ट सेक्स रेशियो इज इन गोपालगंज। गोपालगंज में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है और वो है 1021। सबसे कम लिंग अनुपात जो है वो है आपका मुंगेर में, और वो है आपका 876। द लोएस्ट
Gender ratio, the lowest sex ratio is in Munger and it is 876. साक्षरता दर, सबसे निम्न साक्षरता दर बिहार में पूर्णिया में है 51.08% और सबसे ज्यादा साक्षरता दर आपका रोहतास में है 73.37%। हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन बिहार इज इन रोहतास। इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो है सोहर में, तो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 36 का ए यानी सोहर। क्वेश्चन नंबर 37, विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे निम्नतम है, तो वो हम लोग जैसे डिस्कस कर चुके हैं वो है आपका कैमूर, देखिए लीस्ट लोएस्ट डेंसिटी इज इन कैमूर 488 परसेंट पर स्क्वायर किलोमीटर, मीन सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो कैमूर में है 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये सब पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कौन से जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे निम्नतम है, तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज भी डिस्कस किए थे, लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा, सबसे निम्न आबादी वाला जिला, सबसे निम्न जनसंख्या वाला जिला आपका शेखपुरा है। तो आपका बिहार का सबसे, बिहार किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे न्यूनतम है, तो वो है आपका शेखपुरा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 38, विच इज द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पटना। तो 38 का सही ऑप्शन है सी। विच इज द लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, सबसे कम, सबसे कौन से जिला में सबसे कम जो है जनसंख्या, सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या वाला या न्यूनतम आबादी वाला जिला कौन सा है, तो वो हम लोग पढ़ चुके हैं शेखपुरा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 करते हैं, बिहार का सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका डी ऑप्शन यानी कि शेखपुरा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही ऑप्शन है डी। विच डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, किस जिले में लिंग अनुपात सबसे अधिक है, तो वो है आपका गोपालगंज। क्वेश्चन नंबर 40 का सही ऑप्शन है ए। ये सब फैक्ट्स हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो, किस जिले में लिंग अनुपात सबसे न्यूनतम है, तो वो है आपका मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 42, विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट, सबसे कम साक्षरता दर, न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में है, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो है आपका पूर्णिया, यानी 42 का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 43, विच डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, किस जिले में साक्षरता दर अधिकतम है, तो वो है आपका डी ऑप्शन यानी कि रोहतास। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही ऑप्शन है रोहतास, यानी क्वेश्चन नंबर 43 का 43 का सही ऑप्शन है डी 43 का सही ऑप्शन, सही आंसर डी है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सिटी ऑफ बिहार, अब देखिए मुंगेर, सहरसा, छपरा, हाजीपुर, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ई ऑप्शन भी है, तो इसमें पूछा गया कि इन चारों में सबसे कम, सबसे छोटा शहर कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का सबसे छोटा शहर है। चार ऑप्शन है तो ई ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि इन्हीं चार में से हम लोग को चुनना है, तो वो है आपका हाजीपुर, और ऐसे भी हाजीपुर सबसे छोटा शहर है।
क्वेश्चन नंबर 45, विच इज द मोस्ट प्रिवलेंट एथनिक ग्रुप्स इन इंडिया। और वही चीज बिहार में भी है, बिहार में सबसे अधिक प्रचलित जातीय संजाति समूह कौन सा है। बिहार में सबसे अधिक प्रचलित जातीय संजाति समूह कौन सा है, तो भारत में भी, भारत में और बिहार में, इंडिया में और बिहार में, दोनों में हम लोग को तीन मुख्य नस्लीय समूह मिलता है। एक है इंडो आर्यन, दूसरा है द्रविडियन और तीसरा है ऑस्ट्रो सेटिक। ठीक है, सबसे ज्यादा भारत में जो प्रचलित नस्लीय समूह है या संजाति समूह है या एथनिक ग्रुप है वो है इंडो एरियन। तो इंडो एरियन बिहार के लिए भी सही है और भारत के लिए भी सही है कि सबसे अधिक जो हम लोग को नस्लीय समूह मिलता है वो इंडो आर्यन का ही मिलता है। अदरवाइज द्रविडियन भी मिलेगा, ऑस्ट्रो सैटिक भी मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा आपको ऑस्ट्रो एशियाटिक भी मिलेगा, तो लेकिन सबसे ज्यादा आपको इंडो एरियन 45 का सही ऑप्शन है, इंडो एरियन। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, 46वां नंबर, 46वां, 46 क्वेश्चन से लेकर 50 क्वेश्चन तक हम लोग बात करेंगे कि प्राचीन बिहार इतिहास को अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए कौन कौन सा स्रोत हमारे पास है। तो सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट बिहार हिस्ट्री, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग स्टार्ट करते हैं। विच प्लेस इन बिहार हैज एविडेंसेस फॉर पैलियोलिथिक, माइक्रोलिथ्स एंड नियोलिथिक फेज। बिहार के किस स्थान पे पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल, माइक्रोलिथ्स यानी छोटे सूक्ष्म औजार वाला, जब ये छोटे सूक्ष्म औजार वाला युग माइक्रोलिथ्स, और नवपाषाण युग यानी न्यूलिथिक एज जिसको हम लोग इंडिया में बोलते हैं, न्यूलिथिक जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में नवपाषाण युग कहते हैं। और इस युग में कृषि जो है भारत में, पूरे विश्व में भी कृषि जो है अर्थव्यवस्था के रूप में ये शुरू हो गया था। तो क्वेश्चन 46 क्वेश्चन यदि ढंग से पढ़िएगा आप लोग, PDF में क्वेश्चन दिया गया है उसको ढंग से पढ़िएगा कि कौन सा बिहार में स्थल है जहां पे कि हम लोग को क्रमबद्ध तरीके से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का जो है उदाहरण अवशेष मिलता है। तो इसका ई ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, क्यों? भारत में एकमात्र जगह है बेलन घाटी जो प्रयाग के नजदीक है, बेलन घाटी में ही हम लोगों को क्रमबद्ध तरीके से पूरा पाषाण युग से लेके नव पाषाण युग तक हम लोग को अवशेष मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही ऑप्शन है ई, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बेलन घाटी आपका जो है, आप प्रयाग की तरफ जाएंगे तो वहां पे ये बेलन घाटी मिलेगा। ये भारत का एकमात्र स्थल है जहां पे क्रमबद्ध तरीके से हम लोग को सारा अवशेष मिलता है, जिससे कि हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास को हम लोग निर्माण कर सके। क्वेश्चन नंबर 47 से जाने से पहले ये आपका बिहार का मैप है और यहां पे ये देखिए सारण में एक जगह है जिसको कि हम लोग चिरांद कहते हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में आगे आएगा। बिहार में एक ऐसा जगह है चिरांद, ये एक ऐसा उदाहरण है कि ये भारत में ये नवपाषाण काल का पहला ज्ञात स्थल है। यदि नवपाषाण युग का हम लोग इतिहास का निर्माण करते हैं तो ये सबसे पहला जो स्थल है वो है चिरांद में, और ये छपरा के नजदीक सारण में आपको ये जगह है। यहां पे नवपाषाण युग से यानी न्यूलिथिक एज से लेके चालकोलिथिक पीरियड यानी ताम्र युग तक आपको अवशेष मिलेंगे। यहाँ की खुदाई में क्या क्या मिला है? हड्डियां, बोन्स, गेहूं की बालियां
है ना, ग्रेन्स ऑफ वीट और पत्थर के औजार, ये तीनों साक्ष्य से हम लोग को मालूम चलता है कि यहाँ के लोग जो है उस भूमि पे बस गए थे, कृषि अर्थव्यवस्था चालू हो चुका था, एग्रीकल्चर स्टार्टेड, और पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री और आखेट में ये लोग जो है अपने आर्थिक क्रिया करते थे। तो ये है चिरांद जो कि सारण जिले में स्थित है। चलिए इसी के आधार पे आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये है चिरांद में मिले हुए औजारों का अवशेष। क्वेश्चन नंबर 47, विच प्लेस इन बिहार हैज एविडेंस ऑफ लेट नियोलिथिक साइट। बिहार में कौन सी जगह नवपाषाण स्थल है, तो वो है आपका चिरांद, जिसका कि अभी हम लोग चर्चा किए थे। हिंदी में इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, चिरांद। क्वेश्चन नंबर 48, विच प्लेस इन बिहार हैज एविडेंसेस ऑफ हरप्पन कल्चर। बिहार के किस स्थान पर हरप्पा संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन हरप्पा संस्कृति में जो मृदभांड है, जो पॉटरी है, वो रेड एंड ब्लैक वेयर कहते हैं, काला और लाल मृदभांड। जैसे कि हरप्पा में काला और लाल मृदभांड है, वो वैसे ही मृदभांड हम लोग को राजगीर में मिला है, सोनपुर में मिला है, वैशाली में मिला है, भागलपुर में मिला है। हिंदी में राजगीर, सोनपुर, वैशाली, भागलपुर, और ये चारों जगह से लाल और काला मृदभांड मिला है, जो कि हम लोग हरप्पा काल में देखते हैं। उत्तरी हरप्पा काल में भी ये मिलता है, लेट हरप्पन सिविलाइजेशन में भी इस तरह का मृदभांड मिला है। तो इसके आधार पर कह सकते हैं कि यदि हरप्पा संस्कृति का यदि अवशेष प्रमाण की बात करें, तो राजगीर, सोनपुर, वैशाली, भागलपुर, ये सब जगह मिला है। तो 48 का होगा एक से अधिक विकल्प, मोर देन वन ऑप्शंस। 49, वेयर इन बिहार डू वी फाइंड द एविडेंस फॉर द फर्स्ट यूज ऑफ आयरन। बिहार में लोहे के प्रथम प्रयोग के प्रमाण कहां मिले हैं, तो वो मिला है आपको बक्सर में, वो मिला है आपका बक्सर में। तो 49 का सही ऑप्शन है ए, 49 का सही ऑप्शन है ए। अब देखिए, वेयर इन बिहार डू वी फाइंड द एविडेंस ऑफ प्री नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। बिहार में हमें पूर्व उत्तरी काल पॉलिश मृदभांड के प्रमाण कहां से मिले हैं, ये देखिए, ये जो है इसको हम लोग नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते हैं, उत्तरी काला पॉलिशदार या चमकदार मृदभांड करते। देखिए, चमक है और ये मौर्य काल की विशेषता है। क्वेश्चन यही है कि मौर्य काल से पूर्व में भी ये मृदभांड प्रचलित था, और ये बिहार में कहां कहां मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही ऑप्शन है ए, बक्सर में मिला है और चिरांद में मिला है। कहां मिला है, बक्सर में मिला है और ये चिरांद में मिला है। तो ए और बी दोनों सही ऑप्शन है, तो एक से अधिक विकल्प। तो 50 का सही ऑप्शन है ई, यानी बक्सर और चिरांद। तो चलिए इसके साथ टेस्ट वन सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 26 से 50 यानी बिहार स्पेशल वन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेस्ट टू डिस्कस करेंगे, जिसका कि क्वेश्चन पेपर पीडीएफ के फॉर्म में आप लोग को मिल चुका है। थैंक यू।